हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज हम बात करेंगे टमाटर के बारे में, आपको किस तरह के टमाटर अपनी डिश में, अपनी सब्जी में यूज़ करने चाहिए ताकि आपकी सब्जी और स्वादिष्ट बने और बहुत कलरफुल बने। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आंचल आपको बताऊँगी कि आपको कैसे टमाटर यूज़ करने चाहिए ताकि आपका खाना और टेस्टी बन जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। बेल बटन दबाने से आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टमाटर लेने हैं। दोस्तों, बाज़ार में दो तरीके के टमाटर आते हैं, एक लाल और एक देसी टमाटर। मैं प्रेफर करूंगी लाल टमाटर, क्योंकि ये सब्जी को बहुत अच्छा रंग देते हैं और ये ज़्यादा खट्टे भी नहीं होते। इनका बहुत एक्यूरेट टेस्ट होता है, बहुत अच्छा टैंगी टेस्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी लाल लाल बने और आपकी सब्जी टेस्ट में भी बहुत अच्छी बने और ज़्यादा टमाटर भी ना यूज़ हों, तो आप लीजिए लाल टमाटर। दोस्तों, ये देसी टमाटर से 10 रुपये महंगे ज़रूर हैं, लेकिन टेस्ट में लाजवाब हैं और आपके खाने का टेस्ट 20 गुना और बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, लाल टमाटर ही यूज़ कीजिए। कुछ लोग खाने में देसी टमाटर भी यूज़ करते हैं। इनमें रंग तो होता नहीं, पर ये बहुत खट्टे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जी को रंग नहीं चाहिए, बस खट्टापन चाहिए, तो आप देसी टमाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने में काफ़ी खट्टे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो लाल टमाटर ही प्रेफर करती हूँ, तो आप भी अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि टमाटर कभी भी गले हुए ना हों। अगर आपको लग रहा है कि टमाटर सॉफ्ट हैं, तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि गले हुए टमाटर में कीड़े भी हो सकते हैं जो कि हमें नहीं दिखते, और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो इसलिए टमाटर हमेशा ध्यान से और देख कर खरीदिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपके ज़रूर काम आएगा। मेरी और टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों, मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक नए टिप के साथ। अलविदा दोस्तों।